इस बिजनेस को 2 साल से कर रही हूँ और इस बिजनेस में लाने के लिए बिट्टू जी हमारे मेरी अपलायन बिट्टू सर, सीमा जी, सिमरन, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मुझे आज उनके वजह से मुझे ये लेवल, ये मोदी केयर अवसर मिला मुझे काम करने की। इसमें तो मैं सर बहुत खुश हूँ और सबसे बड़ा सहयोग है सर हमारे सीनियर आप प्रदीप सर, राजेश सर, सबकी सपोर्ट से सर मैं यहाँ आई हूँ। आप लोग का सबसे बड़ा योगदान है हमारे इसमें लाने के लिए इसमें। और सर सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी कोरोना में सबसे ज्यादा हमें साथ देने के लिए समीर, ये सॉरी ये हमारे जो है संजीव संजीव भैया वाले, उनकी सबसे बड़ी सहयोग रहा हमारी अचीवमेंट में, जो हमें हमेशा साथ देते रहे हैं और एक्साइटमेंट लाते रहे कि सीमा जी करो करो हम आपके साथ हैं। और उसके बड़ा सबसे बड़ी प्यार सहयोग हमारी साथ खड़े हुए हमारे जो हमारी मुझे सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और मैंने बिजनेस सीमा जी के बदौलत मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। पहले मैं एक छोटे से जगह के रहने वाली हूँ जो सब कोई बिहार के नाम से नफरत करते, पर उस बिहार से रहने वाली हूँ, हाउस वाइफ पढ़ी लिखी हूँ, कुछ करने का लेके आई थी। हस्बैंड हमारे प्राइवेट नौकरी करते थे, नौकरी करते हुए हम सोचे थे कि कुछ हम अपने हस्बैंड को साथ दें, कुछ करूं ऐसा। 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, मैं यहाँ आई तलाश रही थी कुछ करूं, पर सर मुझे कुछ मिला नहीं। पर मैंने पहले कुछ दिन पहले मैंने एक एमवे कंपनी में मैं काम की थी, उसमें अच्छा पैसा भी कमाई, कमाई भी, पर सक्सेस नहीं हो पाई सर वहां। पर दूसरी बार हम सिक्योर लाइफ भी करी, पर सर मैं बस कहने से आ गई थी। पर कामयाबी हमें यहाँ मोदी केयर में मिला, मोदी केयर ने हमें लाइफ जो सपना देख रही थी मुझे यहाँ पूरा होने लगा। एक स्टेप मैंने दे पूरा कर चुकी हूँ जो दुबई का, समीर मोदी जी के मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरे जैसा हाउस वाइफ को दुबई मिला। मैं मेरे ससुराल मायके कहीं भी मैं अगर मर के भी जन्म ले लेती सर तो मुझे दुबई नहीं मिलता, पर मुझे दुबई का अचीवमेंट मिला। एक स्टेप पार करी। दूसरा था सर, आप लोग ने सपना दिखाते थे गाड़ी का, गाड़ी क्या मेरे घर में सर साइकिल भी नहीं है। मैं इतनी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट जॉब करने वाले घर की दाल रोटी चला ले बहुत मुश्किल है। 600 का कमरा, छोटा सा कमरा में हम लोग 3 बच्चे लेके रहते थे सर। पर जब से मोदी केयर में आए, मोदी केयर ने हमें 10,000 की कमरा का किराया मैं हर महीने देती हूँ। कुछ मैं अपने मोदी केयर से कमाती हूँ, कुछ हमारे पांडे जी सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ कमरा में, मैं 10,000 के कमरे में आ गई। दूसरी चीज है कि सर जो आप लोग सपना दिखाते थे सीमा जी गाड़ी का सपना देखिए, मैं दूसरा स्टेप भी पार कर चुकी हूँ समीर मोदी जी के सहयोग से, आप लोग के लीडर के सहयोग से, हमारी पूरी टीम के सहयोग से मैं ये दूसरा स्टेप भी पार कर चुकी हूँ। जो सपना देखी थी सर, दूसरा सपना भी मेरा यहाँ से पूरा हुआ। दूसरी तीसरी अब एक और लेवल भी मिल गई प्लेटिनम डायरेक्टर की। मेरी सबसे बड़ी अच्छा लग रहा है सर कि हमारे टीम में हमारे छोटे छोटे लीडर तैयार हो गए, जैसे कि राहुल हरजाई। इसमें हमारे पहले मैं अपनी फ्रंट लाइन को बोलूंगी मैं, जैसे पूजा जी हैं, अनीता हरजाई जी हैं, पूजा और ये है इंदु है, छोटी सी बच्ची बहुत बहुत मेहनत करती है हमारे टीम में। और पूजा जी एक महान लीडर बन के निकली है जो सेम हमारे लेवल पे प्लेटिनम डायरेक्टर की है और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अब सोच रही सर कि मैं अब पक्का कामयाब हो रही हूँ, धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ रही हूँ। इसमें सारे सबका सहयोग है। और सर मैं जो सपना देखी थी पैसे की, गाड़ी और पैसे हर चीज तो सर आ ही जाएगी, जब मैं ठान ली हूँ तो कर ही लूंगी। पर नहीं सर अब कहा सीमा जी, थोड़ा सा दुबई दुबई के आप थोड़ा सा बताएंगे कितने टाइम में अचीव किया और कैसा लगा दुबई का सफर, और कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं, और दुबई के कुछ पिक्स आप दिखा पाए हैं हमारी टीम। सर
सर मैं दुबई 6 महीने में, 6 महीने में मैं दुबई चली गई थी। मैंने ज्वाइनिंग करी थी। ज्वाइनिंग करने के बाद सर मैं कैसे दिखाऊं? एक मिनट सर, कोशिश करती हूँ दिखाने की। अच्छा आप हमें भेज दीजिए, हम चला देंगे, आप सिर्फ बताते जाइए। चलिए अच्छा आप ठीक है सर। पहले पहले भेजना था हमें, यदि आप नहीं दिखा सकते कुछ कर हाँ सकते। चलिए बताइए आप कितना, क्या दुबई का सफर बताइए कैसा रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, दुबई का आपको। मैंने 6 महीने में, 4 से 5 महीने में मैंने डायरेक्टर अचीव करी। डायरेक्टर के बाद दुबई का आ गया था। मैंने दुबई 6 महीने के अंदर मैंने दुबई अपनी क्वालिफाई कर चुकी थी सर। 9वां महीने में मैं दुबई जा चुकी थी, दुबई चली गई। दुबई जाने के बाद लगा सर कि मैं वाकई में जिंदगी यहाँ जी रही हूँ मैं, और ऐसी जिंदगी मैं सर 2 जन्म भी ले लेती तो मुझे पूरा नहीं होता, क्योंकि मेरे इतनी इतने अच्छे घर से नहीं थी कि जो मैं अपना पैसा लगा के मैं वहां जा सकती। हस्बैंड गार्ड की नौकरी करते, गार्ड की नौकरी करने वाले सर कहाँ भेजेंगे। पर मैं यहाँ से दुबई चीप करी, दुबई सर जा करके लगा मैं जन्नत में आ गई। मैं अपने फैमिली, अकेले गई थी पर मैं अपनी फैमिली का महसूस करती कि मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, क्योंकि जिन्होंने मुझे लाए थे यहाँ वो मेरे साथ थे, मेरी अपलाइन। और वहाँ हम बहुत इंजॉय किए, बुर्ज खलीफा, डजर सुपारी, इतनी बढ़िया 7 स्टार होटल, डिनर, लंच, सर मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती मुझे कभी मिलेगा ऐसा। और मैंने इंजॉयमेंट किया, ये भी ये पॉसिबल हुआ सर मोदी केयर के वजह से। मोदी केयर अगर नहीं मैं करती, पॉसिबल नहीं था सर, मैं कभी नहीं कर पाती यार। मैं क्या कहूँ सर, बोल मेरा आँख में हंस। सर मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं होने के बाद भी ऐसी ऐसी अचीवमेंट मोदी केयर में ले रही हूँ मैं। और गाड़ी मैं 2021 में लेने जा रही हूँ, स्विफ्ट डिजायर रेड कलर की। पर सर मेरी एक शर्त है, जब भी मैं गाड़ी लूंगी मेरी टीम में 5 गाड़ी आएगी, छठी गाड़ी मेरी रहेगी। और गाड़ी मैं लूंगी सर 5 गाड़ी के साथ, हमारे टीम में तो एक गाड़ी की टारगेट पूरी होने वाली है, दूसरी गाड़ी की, तीसरी गाड़ी की, मैं सर 2 गाड़ी की और चल रही है हमारी टीम में। मैं 5 गाड़ी के साथ छठी गाड़ी मैं लूंगी। मैं अपने आप से कमिटमेंट करी हूँ, जब 5 गाड़ी आएगी तभी मैं अपनी छठी गाड़ी निकालूंगी। एक साथ मेरे टीम में 5 गाड़ी आएगी। और मैं सर 1 लाख का चेक दिसंबर तक मैं किसी तरह से हाल हार में मैं करूंगी, 1 लाख का चेक सर। 1 लाख का टारगेट लिए, 50,000 तक तो पहुंच ही जाऊंगी बिल्कुल बिल्कुल। सर। और मैं अपने टीम के लिए मैं अपने टीम के लिए सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं दिन रात भागने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ हूँ, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जैसी छोटी सी इंदु है, पल पल हमारे साथ, एक एक मैसेज मेरे से पूछती है, मैं इनको बताती हूँ, गाइड करती हूँ, अपने साथ लेकर चलती हूँ। पूजा जी अच्छा लग रहा है, अनीता जी हैं, सीता जी हैं, सबको के साथ सर मैं मिलजुल करके कल भी मैं 12 बजे तक उनके साथ रही थी, काम कर रही हूँ। ये कोरोना में भी मैं अपने घर में नहीं रहती हूँ, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैं अपने टीम के साथ जहाँ तक सोचती हूँ मैं अपने टीम के साथ रहूँ, मैं अपने टीम के साथ मैं उनकी पॉइंट में, उनकी बीवी में, मैं उनकी क्वालिफाई में मैं मदद करूँ। तो सर मैं यही कर रही हूँ, जितना हो रहा है सर मैं कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने टीम में अचीवमेंट दिलाऊँ, एक बढ़ाऊँ, तभी मेरी सक्सेस, मेरी कामयाबी होगी सर। बहुत बढ़िया। सिम्बा जी आपने जो ड्रीम लिया है वो गाड़ी का, देखिए दोस्तों की एक छोटे से कमरे से आप एक बड़े कमरे में आ गए हैं, जहाँ साइकिल नहीं थी वहाँ अगले 6 महीने बाद, चलिए मैं कहता हूँ 9 महीने बाद भी सही, एक स्विफ्ट डिजायर होगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, दिस इज द पावर ऑफ सर मैं, मोदी केयर, की एक सपना देखने की हिम्मत तो की और देखने के बाद उसको पूरा करने का रास्ता मिला। एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिन्होंने कभी शायद आई डोंट नो आगरा, सीमा जी कभी आगरा जाना हुआ, नहीं मैं जस्ट सर पूछ रहा बिल्कुल हूँ, नहीं जस्ट हुआ सर। आई डोंट मैं नो। बिहार से दिल्ली आई थी बस, यहाँ इसके अलावा कहीं पता नहीं था। ओके तो दिल्ली, आप एक यहाँ से चीज मैं दिल्ली, बिहार से सर दिल्ली आई थी। दिल्ली के बाद मुझे पता ही नहीं था कि और भी दुनिया है, और भी जगह है। यहाँ तक कि सर मैं वैष्णो देवी तक भी नहीं गई थी। पर मोदी केयर के में आने से, मोदी केयर में काम करने से, मोदी केयर की बिजनेस इतनी अच्छी है, समीर मोदी जी ने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हमारे लिए निकाले जो मुझे दुबई मिला। वाकई वाह में सर मैं बहुत खुश हूँ दुबई अचीवमेंट लेकर के।
मेरा पहला सपना सर यहाँ पूरा हुआ था, जो आप बोलते थे मैं देखी थी आपका प्लान। सीमा जी ये हाउस फंड है, ये कार फंड है, तो ये सर पहला स्टेप तो मैंने पार कर चुकी थी 9वां महीना में। दूसरा गाड़ी का, साइकिल नहीं था, मैं गाड़ी में आ गई। तरुण बजाज जी बोले थे, तरुण सर, कि आज मैं सबको गाड़ी में बैठा के भेजूंगा। मैं वाकई में सर उस दिन मैं गाड़ी में बैठ के ही वहां से पानीपत से मैं दिल्ली आई थी। और मैं उसी दिन से मैं ठान ली थी कि मैं गाड़ी के करके दिखाऊंगी। और मैं जैसे जैसे आप लोग बताते गए स्टेप बाय स्टेप, मैंने चैलेंज लेकर के काम किया। मैं कोरोना भी नहीं देखी, मैं करते गई। नो डाउट सीमा जी, आपने बहुत मेहनत की और मैं कहूंगा कि इस कोरोना में भी आपने रिस्क लिया। हमने कहा कि सेफ्टी लीजिए, बट आपने मेहनत की। आपने कहा कि मुझे कोरोना से डर नहीं लगता, भुखमरी से डर लगता है। और बिल्कुल बिल्कुल सही सर, देख रहा है, हर रोज टीवी में हम देखते हैं कि डेली वेजेस वालों के कि क्या हालात है। उनको यदि इनकम नहीं आती तो डेली दिल्ली छोड़ के या बिहार, कोई उड़ीसा जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई झारखंड जा रहा है। तो अब आपने देखा कि लोगों की हालात जो है बिजनेस के, वैसे हालात हो गए हैं कि अच्छे खासे बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं। मैंने उस दिन आपको परसों एक बिजनेस प्लान में यही बात की थी कि आप इतने सारे ऑप्शंस हैं, बट डेट यदि नौकरी ना रहे तो 3 महीना 6 महीना 7 महीना 1 साल, 1 साल भी क्या एक्सक्यू होगा, तो शायद 1 साल अपनी सेविंग से घर चला पाए। बाकी लोग तो शायद 3 महीने में रिस्क या सेविंग से उसकी दिक्कत आ सकती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा बिजनेस करें, जब सीमा जैसी एक सिंपल सी हाउसवाइफ कर सकती हैं और विजुलाइज किया था इन्होंने कि मैं गाड़ी लाऊंगी और वो अब सपना पूरा होने जा रहा है और अपना तो होने जा रहा है। साथ में अपनी टीम में कल मिलेंगे जिन्होंने एक सिंपल सी हाउसवाइफ, वो भी उड़ीसा से, कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इस बिजनेस में, मैंने नोट किया है, पढ़े लिखियों से ज्यादा कम पढ़े लिखे जल्दी कामयाब हो जाते हैं। पढ़े लिखे थोड़ा देर लगाते हैं क्योंकि वो अपना ज्यादा दिमाग लगाते हैं। सीमा जी को जैसा बताया गया वैसा इन्होंने किया, वैसा वैसा ही करते गए, वैसा वैसा करते गए और आज प्लैटिनम डायरेक्टर पे आ गए हैं। सबसे अच्छी बात जो दुबई के फोटोग्राफ से थी, सीमा जी आप मुझे भेज पाए, आप दिखाना दिखा पाते हैं ठीक है, मुझे भेजिए, नहीं तो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा कि पर्सनैलिटी चेंज कैसा होता है इस बिजनेस में। यदि सिंपल हाउस वाइफ यदि जब जाते हैं और कंपनी क्या ट्रीटमेंट देती है आपको, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ मनी। मैं जानता हूँ काफी लोग अपने पैसे से फॉरन गए होंगे, मैं भी गया हूँ, बट द थिंग इज जब आप अकेले जाते हैं, सिर्फ फैमिली, कई बार तो सिर्फ जॉब से चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं, बट फैमिली के साथ भी जाते हैं तो आप 2-3 लोग होते हैं, पैसा लगता है और कई बार सोचना पड़ता है। बट यदि आप 500-600, अभी जैसे हमारी टीम से काफी लोग, हम खुद इंडिया से 3,000 लोग गए थे जिसमें से 15 से 16 लोग हमारी टीम से पटाया गए थे और अभी काफी लोग मलेशिया के लिए भी क्वालिफाई हुए। इसमें आप हमारी अभी मीटिंग में यदि आप देखें तो वाओ, तो दैट्स फैंटास्टिक। देखिए टेक्नोलॉजी बच्चे आज हमें सिखाते हैं, सीमा जी आप भी सीख रहे हैं और ऐसे ही इस कोरोना में। तो दिस इज हाउ द मोदी केयर चेंज द पर्सनल लाइफ। अभी तो ये शुरुआत हुई है, इनकी स्टोरी बननी स्टार्ट हो रही है, अभी कुछ पन्ने और जुड़ने बाकी है। अगले 2 साल में हमारी टीम की एक ब्रांड होंगी सीमा जी, ना, और आप भी होंगे जो लोग इन्हें सुन रहे हैं। टाइम लगता है। तो एक सिंपल गार्ड की वाइफ इज नॉट क्वेश्चन। हर आदमी अपने अपने लेवल की जॉब करता है, कोई ये मत समझिएगा कि मैं कुछ पिन पॉइंट कर रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैंने परसों प्लान में कहा था इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है इस प्लान में सभी को। कौन इंजीनियर है, कौन डॉक्टर है, कौन एमबीए, ये फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आओगे, आधार कार्ड की कॉपी लगानी है, 7% से बिजनेस शुरू करना है, सामान यूज करना है और यूज करते करते लोगों को रिकमेंड करना है और आपकी टीम बनने लगेगी और आप अचीव कर सकते हैं। बराबर का मौका है, कोई भेदभाव नहीं है। और ये देखिए दुबई के कुछ फोटोग्राफ्स, ऊपर करते जाओ बेटा, दिखाते जाओ थोड़े से फोटोज। कम फॉरवर्ड, ये हमारे एवेंटर तरुण बजाज जी, ये सीमा पांडे जी। तो सीमा पांडे जी शायद आई थिंक दिल्ली एयरपोर्ट से है, आप आगे चलें। लिटिल बिट फास्ट बेटा, थोड़ा सा सीमा, दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो सीमा जी कि जब फर्स्ट टाइम ये फोटोग्राफ हम लोगों ने भी देखे थे, तो आई हैव सीन कि एक सिंपल घरेलू औरत जो बिल्कुल नरेना में रहते हैं और अब इनकी टीम बढ़ रही है। फ्लाइट इन्होंने पहली बार लाइफ में, और वो भी सीधा एमिरेट्स फ्लाइट में ये लोग गए और 5-स्टार होटल में इनको ठहराया गया और सब कंपनी पेड इनको, चाहे बुर्ज खलीफा, आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं लंबी सबसे, ये बुर्ज खलीफा है पीछे, और इनको वहां घुमाया गया। राइट,
ये इनकी अपलाइन बिटू जी, तो दिस इज हाउ द चेंज काम। मैं जानता हूँ सब अपने पैसों से भी घूम के आ सकते हैं, मैटर नहीं करता, बट आप जब आपको कुछ एक हजारों लोगों के बीच में समीर जी ने स्टेज पे इन सबको बुलाया था, और ये होटल थोड़ा सा रोकिएगा, सोच के देखिए कि इस होटल की कॉस्टिंग क्या होगी, राइट, रूम की, वहां पे ठहराना घुमाना, और जितने लोग दुबई गए हैं दे विल अंडरस्टैंड कि दुबई कितना कॉस्टली है। चलिए बेटा आगे चलिए। तो दिस इज, जहां कभी ये आगरा नहीं गए वहां सीधा एमिरेट्स फ्लाइट और फाइव स्टार होटल्स और यू नो बुर्ज खलीफा, ये सब कुछ कंपनीज ने एंजॉय कराया। ऐसे ट्रिप्स आते रहते, अभी हम लोग पटाया गए थे, अभी मैं सिंगापुर मलेशिया गए थे, और आपकी लाइफ में हर साल मोदी के से मौका आया। और उस साल हमारे 5 लोग गए थे, इनकी अपलाइन बिट्टू जी भी थे और बिट्टू जी एक डाउनलाइन और थे, और 2 शख्सियत और थे जिसमें कारपेंटर और एक सिंपल नौकरी करने वाले। तो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने काम किया था, तो इस सेकंड ईयर में ट्रिप गया था जब हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, 2016 में ज्वाइन किया, और 2017 में ये लोग दुबई गए। व्हाट वी आर जस्ट, मैं आपके सपनों को जगाने के लिए एक बात कर रहा हूँ कि यदि सीमा जी कर सकती हैं, कल आप मिले थे बिट्टू जी जिन्होंने, उन्होंने भी दुबई अचीव किया था, वो आर्टिका कार लेने जा रहे हैं, इन्हीं की अप्लाई में ये डिजायर लेने जा रही है। बिट्टू जी नवंबर में लेंगे, ये मार्च में लेंगी, और इनकी डाउनलाइन फिर मई में लेंगी। तो दिस इज हाउ, जो इन्होंने मेहनत की पिछले 2.5 साल 3 साल में, अब ये होने जा रहा है। कुछ लोगों ने हमारी टीम में आपने मिले परसों, रेखा जी से इन्होंने 1.5 साल 1.5 साल में नेक्सॉन ली, अभी कुछ लोगों से और मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अचीव की हैं और फॉरेन ट्रिप्स किए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो सिर्फ मोदी केयर पैसा नहीं है, मोदी केयर आपकी पहचान, एक आइडेंटिटी बनाने का एक जरिया है। आप हमारी टीम में काफी लोगों को जानते हैं जो अभी पटाया गए थे, मलेशिया भी क्वालिफाई किया है। तो थिंक, क्या आप चाहते हैं, क्या आप देख पा रहे हैं इस पिक्चरों में अपने आप को, क्या उस स्टेज पे अपने आप को, इस बीचेस पे अपनी फोटो को आप देख पा रहे हैं कि आप हो? यदि देख पाओ, सीमा जी ने देखा था, मुझे याद है मैंने उनको एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कराई थी, तो उन्होंने अपने सी दिस इज डेजर्ट सफारी, और जो डेजर्ट सफारी करता है उसको एक एक अलग थ्रिल का मजा आता है, और वहां पर रात को आपको डिनर और डांस पार्टी सब कुछ कंपनी ने इनको एंजॉय कराया कंपनी से। तो बेस्ट ट्रिप रहा इनकी लाइफ का, और शायद ये मेमोरेबल ट्रिप इनको लाइफ भर मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए। तो व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा कुछ यदि आप भी चाहते हैं, तो मोदी केयर आपकी नाम पहचान पर्सनालिटी चेंज करने का एक जरिया है, एक ऐसा बिजनेस जो कोरोना में आपको नया मौका मिले, जहां पर आप एक नई राह मिले जिससे कि आप आगे अपनी पहचान बना सके, एक नया रास्ता इनकम का जो आपको पैसिव इनकम दे सके, एक ऐसा सिस्टम जो लेगेसी में आपके बच्चों को ट्रांसफरेबल हो। तो दिस इज स्मॉल, ये ड्रीम लिया हुआ है सीमा जी ने, अब आगे तो आप क्या चाहते हैं और आप वो पा सकते हैं, यदि आप सोचें, अपने आप को विजुलाइज करें आज। दिस इज आवर न्यू प्लेटिनम डायरेक्टर, और मैं चाहूंगा सीमा जी, जो अब आपने हस्बैंड वाइफ ने मिलकर सोचा है अपनी टीम के साथ, अब मैं फोकस करूंगा कि गाड़ी तो आपकी आ ही जाएगी मार्च अप्रैल तक मई तक, बट मैं चाहूंगा जो 1 लाख का इनकम का ड्रीम लिया है, बिल्कुल सही कहा आपने, 1 लाख का ड्रीम लिया है तो 40% हमेशा ज्यादा लेते हैं, तो इस दिसंबर तक आपने यदि 1 लाख का लिया है तो 50 आराम से आएगा ही आएगा, ठीक है? तो उसके लिए आप एलपीवी इनकम पे काम कीजिए, और अपनी टीम में एक गाड़ी नहीं, अब 5 गाड़ी का यदि ठान लिया तो अपने आप 1 लाख चेक हो जाएगा, यदि 5 गाड़ियों का आपने ठान लिया तो आपका चेक अपने आप 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि मतलब आपने 5 SCD बनाने का सोच लिया है। तो दिस इज वेरी गुड, आपकी टीम में प्लेटिनम पूजा जी आ चुकी है, और आप 3 का 4 का और प्लान कीजिए, बढ़िए। तो और कुछ कहना चाहेंगे सीमा जी कि आपकी मोदी केयर और बाकी कंपनियों में आपको क्या फर्क लगा है, क्यों करना चाहिए मोदी केयर?
आपकी आवाज आपने म्यूट कर लिया है। मोदी केयर क्यों करना चाहिए? सीमा जी मेरी आवाज, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपने म्यूट कर लिया है। सीमा जी सीमा म्यूट कर चल लिया आपने, यहाँ म्यूट, अपना माइक ऑडियो को हटा लिया। कर आपने आपने बताया आपने एमवे का भी स्वाद चखा, आपने सिक्योर लाइफ बाइनरी दो टांग वाले सिस्टम भी देख लिए जो काफी लोग उसकी तरफ आजकल अट्रैक्ट होते हैं, और आपने सारे सवाल चखे, मोदी केयर में आए हो। तो अब मुझे बताइए कि आपको लोगों को थोड़ा सा कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए, क्या फर्क है मार्केट और मोदी केयर में? सर, सर मैं ये कहना चाहती हूँ, एमवे में था सर, एमवे भी अच्छा प्रोडक्ट था, अच्छी कामयाबी मिली, पर सर वहाँ क्या था कि हर महीने जैसे कि हम वहाँ टारगेट करते थे, पर एकदम से मैंने सर सिल्वर ब्रेक किया था वहाँ, मेरी वहाँ अच्छी इनकम भी हो गई थी, 50,000 की मैंने चेक लिया था 2 बार, पर एकदम से सर वहाँ ऐसा सिस्टम था कि हर महीने अगर आप मेंटेन तो करना ही करना है, पर कुछ ऐसा कंडीशन था जो कि अगर हम नहीं कर पाए तो हमें नीचे बिल्कुल 3% पर आते थे, 15% से हम 3% पर आ गए, फिर वहां से हमारा मन टूट गया, हम फिर कर नहीं पाए, दोबारा हम उठ नहीं पाए, तो हम वहां करने से एक्सचेंज नहीं हो पाए सर, तो वापसी आ गए वहां से, फिर लोगों ने जबरदस्ती मुझे सिक्योर लाइफ में जोड़ दिया, पर सर वो सब तो बात की बात है, मोदी केयर में ये अच्छी लगी कि प्रोडक्ट हम रोज ला ही रहे, घर का प्रोडक्ट है, और यहाँ कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि हमें करना ही करना है, तो हम हमारे जैसा हाउस वाइफ यहाँ आराम से सक्सेस हो सकते हैं सर, जो कि एग्जाम्पल में मैं हूँ, कहीं न कहीं से सामान सर हम ला ही रहे थे, ये हमारे छोटा छोटा खरीदारी से भी हमारे घर की टारगेट, हमारे घर की इनकम, हमारे घर की खुशियाँ, हमारे घर की सब कुछ अचीवमेंट हो रही है, पर ये अदर कंपनी में नहीं था सर, हर कंपनी में एक रूल था, एक कंडीशन था कि आपको इतना करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं आएगा, अगर आप सिक्योर लाइफ में अगर 2 रुपया अगर बराबर नहीं कर पाओगे तो आपका चेक नहीं आएगा, एक बार 2 बार मेरी आई वहाँ, उसके बाद कुछ, क्योंकि कभी भी बराबर हमारा दोनों पेयर बराबर होता ही नहीं था, जब पेयर बराबर नहीं होगी सर तो मेरी इनकम कहाँ से आती, अभी भी हमारा सिक्योर लाइफ में लोग बाग कहते आ जाओ, हम कहीं नहीं जी, हमारा सबसे बढ़िया मोदी केयर है, मोदी केयर में हम जितना काम करते उससे उम्मीद से ज्यादा पैसा आता है, इसलिए हम अपना मोदी केयर ही हमारा ठीक है, तो सर हमारे लिए ही मोदी केयर बना है सर, मैं एक हाउस वाइफ होकर के मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हम कर सकते हैं तो हर हाउस वाइफ इसमें कामयाब हो सकते हैं, तो थैंक यू तो ये सबसे सो मच। बड़ी बात मैं है तो सर, हमारी टीम हमारे साथ है, हम जंग जीत जाएंगे, थैंक यू सो मच सीमा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बधाई थैंक यू सर, बधाइयां देता हूँ आपकी मेहनत, आपने जो इस कोरोना पीरियड में भी इतनी मेहनत करी कि खुद तो प्लेटिनम बने, 3 महीने कार फंड मेंटेन किया, ऊपर से आपने पूजा जी को भी प्लेटिनम के लिए मोटिवेट किया, उन्होंने उनके साथ उन्होंने दोनों में आप लोगों ने मिलकर काम किया, और दो सिंपल से हाउसवाइफ जो कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक चीज ठान ली और उन्होंने करके दिखाया। तो आप लोगों के आने वाली कार के लिए एडवांस में बधाइयां, और प्लेटिनम सफल किया है। मैं चाहूंगा अब आप जो 1 लाख का ड्रीम लिया उस पर बढ़े। मैं थोड़ी सी आपकी जो आपने दुबई के फोटोग्राफ दिखाए हैं, तो मैं सभी लेडीज से कहूंगा मैं कुछ एक फोटोग्राफ्स और दिखाता हूँ आज सीमा पांडे जी से तो मिले। आज आपने सुरेखा मैडम से हमेशा मिलते आ रहे हो। मैं कुछ फोटोग्राफ्स अभी कलेक्ट कर रहा था, और मैं आपको एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। ये है वॉल्वो गाड़ी, यह है वॉल्वो गाड़ी। अब ये वॉल्वो गाड़ी इन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट करी है, वॉल्वो कार गिफ्ट करी है। एंड यू नो द प्राइसिंग ऑफ वॉल्वो, आप लोग यदि समझे इस गाड़ी की प्राइस 80 से 90 लाख रुपया, ये गाड़ी अपने बेटे को गिफ्ट करी है। अभी भी काफी हाउसवाइफ, कल अभी मैं जिनके साथ मेरी अभी 4 बजे मीटिंग है, दे टोल्ड मी कि मेरे अभी छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे करूं। तो मैंने ये फोटोग्राफ उनके लिए निकाली है कि सुरेखा जी
नहीं, इस बच्चे को जब 2.5 साल का था तब इस बिजनेस को शुरू किया था, और बहुत सारी बीच में उल्टी सीधी कंपनी आई और उनको क्या आपको लगता है उनको इनवाइट नहीं किया गया होगा, उनको बहुत सारा लालच नहीं दिया गया होगा, बट उन्होंने मोदी केयर पे बिलीव किया और वो 20 साल तक यहाँ टिकी रही। आज इसलिए उनकी 80 लाख रुपए महीना इनकम, आज वो अपने बच्चे को वॉल्वो दे पा रही है। उनका बच्चा जो गोडरेज में जॉब में चला गया था जस्ट टू लर्न समथिंग, और वो जॉब छोड़ के 25 लाख का पैकेज नेटवर्क मार्केटिंग में आज अपनी मम्मा के साथ आ गया। अब एक से बढ़ के दो, पहले उनके सास ससुर थे, हस्बैंड वाइफ थे, अब अगली जनरेशन भी इस बिजनेस में आ गई। यदि फैमिली बिजनेस को समझें कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, किस शानदार घर में वो रहती है, तो आप उनकी हर, आज मैंने उनको एग्रेसिव मूड में देखा। मैं उनकी हर ट्रेनिंग को देखता हूँ और आप भी नोट कर देंगे, आज 1 से 1.5 साल में करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा, भूलना पड़ेगा कि हम क्या हैं। आज आप उनकी, यदि आज जिसने नहीं देखी उस वीडियो को देखें, आज की ट्रेनिंग अमेजिंग। आज मैंने, कहते हैं, डिफरेंट रूप में थी। मैंने उनको हमेशा कूल, हमेशा शांत और बहुत 90 तुल्य शब्दों में वो समझाती हैं। डिक्शनरी उनके पास जो है ना, इस डायरेक्ट सेलिंग में चाहे लोग स्टेज पे खड़े होकर चिल्लाते रहें, बट जो डिक्शनरी सुरेखा जी के पास है, जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज उनके पास है, यदि आप चाहते हैं लाइफ में कुछ बनना, हाउसवाइफ, एक सिंपल हाउसवाइफ, मैं उनको जब भी पहले भी मिला था, जब मैं आया था, जब मैं कहें इतना सिंपल और ये इतना पैसा कमाते होंगे, 25-30 लाख तो तब भी 35 बताया जाता था, आज वो 70-75-80 के करीब उनका हाईएस्ट चेक है। थिंग इज, वो आज भी सिंपल ड्रेसेस में, आपने सबने नोट किया होगा, और यदि ये कर सकते हैं एक नॉर्मल से, देखिए तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो दिस इज सुरेखा जी। तो सोच से बड़ा होना है हमें, लेवल से या है ना हम ये हैं वो हैं उससे नहीं, सोच से बड़ा होना है। तो सुरेखा जी से हमें बहुत कुछ सीखना है। यदि आप उनकी वर्डिंग्स को कैच परख पाए, उनकी सोच को पकड़ पाए, तो मोदी केयर में आप बहुत आगे जा सकते हैं। हमेशा उनकी ट्रेनिंग को जब सुनते हैं उसको नोट्स बनाओ और नोट्स बना के इम्प्लीमेंट करो। सुबह सुना है पूरा समझ में नहीं आएगा, वापस शाम को सुनो उन्होंने क्यों कहा था सोते समय। तो दैट्स अ पावर ऑफ सुरेखा जी का जो ऑरा है, जो उनके पास नॉलेज है। तो यदि ये सिंपल सी हाउस वाइफ जोधपुर फैमिली से मिडिल क्लास, उनके हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यदि ये करके आज इस ऑरे पे आ चुकी है, तो यदि आपको भी ऐसा नाम सम्मान चाहिए हाउसवाइफ्स को, आप हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसी गाड़ियां आपको कंपनी के लोग गिफ्ट करें। समीर सर, समीर जी को जानते पहले जब मर्सिडीज मिली थी सुरेखा जी को, तो ऐसी गाड़ियां कि आप मालिक बने। शुरुआत हमेशा छोटी गाड़ी से होती है, बट आज मैं आपको सफर दिखा रहा हूँ। मैं कहता हूँ 6 साल 7 साल 10 साल के बाद भी मोदी केयर से आपके पास ऐसी गाड़ियां हो। अभी आपने देखा हमारी कंपनी में 6-6 साल में ऐसी गाड़ियां लोगों ने अचीव कर ली हैं। अक्षय ने भी जेगुआर अचीव की है, कपिल वर्मा जी ने भी वॉल्वो की है, और अभी आपने देखा मनोज मलिक जी, उन्होंने भी, सब जानते हैं, उन्होंने भी BMW यहाँ से अचीव किया है। तो देयर फैमिली, तो ऐसी मुस्कान आपकी फैमिली में भी आए, ये खुशी कब आती है जब आप कुछ अचीव करते हैं। मैं आपको सिर्फ आज फ्यूचर दिखा रहा हूँ, प्लान आपको हर रोज दिखाया जा रहा है। प्लान आपको 5 बजे का लिंक यदि आया तो मैं आपको जरूर भेजूंगा, और यदि आपको मेरा प्लान देखना है तो मैंने वीडियो आपको परसों वाली वीडियो शेयर की है, समझिए उसको, है ना। तो उस प्लान को समझिए और मोदी केयर में, मोदी केयर को कीजिए। दिस इज समहाउ हमारे साथ इस फ्यूचर है इस बिजनेस का। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कुछ आपको मिल सकता है। मैडम, साउंड हमारी बिल्कुल ठीक है हमेशा से, कुछ आप फर्स्ट टाइम है तो लग रहा है मुझे आपके साउंड में इश्यूज है। तो